हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वीडियो पर ये बात करते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके मरीजों को भूलकर भी बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे पहले एक बार आपको याद दिलाऊं, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। साथ ही जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी 5 बीमारियां हैं जिनके मरीजों को भूलकर भी बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो बैंगन की सब्ज़ी कई लोगों को बहुत पसंद होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं बैंगन खाना कई लोगों के लिए अच्छा होता है तो कई लोगों के लिए ये नुकसानदायक भी होता है। बैंगन खाने के कई फ़ायदे बताए जाते हैं। ठंड के दिनों में इसके सेवन से वेट लॉस में भी मदद मिलती है, लेकिन इसका सेवन हर किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। जैसे जिन लोगों के पेट में पथरी या स्टोन है उन्हें भूलकर भी बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैंगन में ऑक्सलेट नामक का तत्व पाया जाता है जिसकी वजह से पथरी की समस्या बढ़ जाती है। और जिन लोगों में के शरीर में खून की कमी होती है उन्हें भी बैंगन नहीं खाना चाहिए। इसका सेवन बॉडी में आयरन की कमी को और बढ़ाता है। साथ ही यदि आपके शरीर में किसी भी तरह की एलर्जी है तो ऐसे व्यक्ति को भी बैंगन खाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि बैंगन में कई ऐसे तत्व होते हैं जो एलर्जी की समस्या को और बढ़ा देते हैं, इसलिए इसे खाने से बचना चाहिए। इनके अलावा जिन लोगों को पाचन संबंधित समस्या है उन्हें भी बैंगन खाने से बचना चाहिए। यदि आपको गैस या पेट दर्द की समस्या है तो आप बैंगन खा रहे हैं तो ऐसा करने से पेट की दिक्कत बढ़ सकती है। इसके अलावा आँखों में जलन वाले लोगों को भी बैंगन खाने से बचना चाहिए। इसके चलते उनकी आँखों में दर्द, सूजन और जलन की समस्या और बढ़ सकती है, इसलिए डॉक्टर भी आँखों के मरीजों को बैंगन खाने से मना करते हैं। जो लोग डिप्रेशन की दवा ले रहे हैं तो उन मरीजों को भी बैंगन खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे खाने से आपकी दवा का असर कम हो जाता है। और बैंगन में ऑक्जेलेट नाम का तत्व पाया जाता है, इससे कैल्शियम का अवशोषण कम होता है। इसका नुकसान हड्डियों को होता है और हड्डियों की सेहत बिगड़ सकती है। और वैसे तो बैंगन यह ब्लड शुगर को कम करने में सहायक माना जाता है, इसलिए लो ब्लड शुगर के रोगी को इसके नियमित सेवन से बचना चाहिए। और लो ब्लड प्रेशर की समस्या में इसका नियमित उपयोग करने से पहले चिकित्सक से सलाह जरूर लें। वजह यह है कि बैंगन ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। वैसे तो एक दिन में आधा कप बैंगन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जिन्हें पहले से ही तकलीफ़ें हैं वे बैंगन को खाने से उन्हें बचना चाहिए।